हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी जॉब का एग्ज़ाम हुआ था 9 मई 2022 को, लेवल 6 का। ये एग्ज़ाम हम कर रहे थे। हमने इस पर एक पार्ट बना दिया, पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। इस पार्ट की वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ से देख लेना पार्ट 1। तो आज पार्ट 2 करते हैं, मतलब आरआरबी इस पेपर का स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 2 से, ठीक है? आगे क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह के हैं और कैसे सोल्व होंगे। ओके, तो चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? तो आप देखोगे कि फर्स्ट लेटर की ए बी सी, आगे क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है? तो डी सभी ऑप्शन में है, तो सभी ऑप्शन लग जाएंगे। अब आप आगे चेक करोगे तो U21 पर होता है W23, मतलब 2 का ऐड हो रहा है, फिर 25, 2 का ऐड है, अगले में क्या आएगा? 27 का ऐड आएगा। तो 27 कितने नंबर पर आता है? Z26 पर आता है। Z के बाद फिर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो A कितने पर आएगा? 27 पर भी आ सकता है। तो D A A के ऑप्शन में, तो उसका ऑप्शन आपका, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया कि MDT से PAW बनाया, RFQ से UCT बनाया, LSK से क्या बनेगा, ये बताना। आप देखो कि M13 नंबर पर आता है और P16 पर, ठीक है? तो 3 ऐड हो रहे हैं, तो R18 पर, U21 पर, ये क्या पेयर है? पेयर का देखते हो, तो पेयर में क्या हो रहा है? तीन तीन ऐड हो रहे हैं पहले लेटर में। तो यह L12 पर आता है, तो 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 पर आपका क्या आता है अल्फाबेट में? यू आता है, ठीक है? अब देखो, डी डी आपका 4 पर आता है, ए आपका 1 पर। तो सेकंड नंबर को देखोगे, दोनों सेकंड डिजिट को देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है? -3 दिखाई दे रहा है, ठीक है? सेम एज इट इज, यहाँ F 6 पर आता है और U 3 पर आता है, तो फिर क्या हुआ? 3 माइनस हो रहा है। एज इट इज L 19 पर आता है, तो 19 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16। 16 पर क्या आता है? P आता है। तो OP इसमें है, ओनली एक ही ऑप्शन में OP है, तो इसका मतलब आगे हम चेक करने करेंगे, तो अगर आपको चेक करना तो N आ जाएगा आपकी सीरीज से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि बोला गया कि सेशन टेंस को अलग अलग कोड में दिया गया है, राइट? ओके, और पूछा है कि कोड बताना कि पार्टी ड्रेस, तो पार्टी की तो कौन सी लाइन में पार्टी? आप देखो कि इस लाइन में पार्टी है, ठीक है? और ड्रेस ड्रेसेस इसमें भी है और इसमें भी है, राइट? तो ड्रेसेस के कोड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड लाइन में से जैसे ड्रेस को सिमिलर दिखाया, तो इस तरह क्या देखना, देखो इसमें क्या आपस सी भी सिमिलर है, ओके, और सी इसमें भी, तीनों में सी है, तो इसका मतलब हमने ये सी वाला जितने भी कोड हैं सी के, ये काटो पहले। तो इसमें टी आई है, इसमें भी टी आई है, ठीक है? इसमें नहीं है, तो ऊपर वाले में देखोगे V E V E V E V E, तीनों में क्या है? सेम लेटर है, तीनों में कोड भी सेम है, तो इसका मतलब V E को हम एक बार के लिए काट देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोड जो होगा वो किसका होगा? सी का होगा, ठीक है? अब देखना हमें ड्रेसेस, ड्रेसेस का फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या है? सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में सेम जो वर्ड कोड है वो टी आई है, इधर भी आप देख लो टी आई है। तो यहाँ से एक कोड तो आया मेरे पास टी आई, जिसमें टी आई नहीं है उसको कट कर दो, ऑप्शन 4 में टी आई नहीं है, ठीक है? अब देखो VE हमने देख लिया था C का कोड है, तो VE नहीं आएगा, ओके। तो अब इन दो ऑप्शन में से देखते हैं क्या आएगा। अब देखो इसमें, देखो C हमने काट दिया, ड्रेस हमने निकाल लिया, तो V इसमें V है, इसमें भी V
वी है, तो वी का क्या है एन एक्स एन एक्स एन एक्स, तो एन एक्स को भी क्या करो आप कट कर दो, ठीक है। देर इसमें देर है, थर्ड लाइन में इसमें भी क्या है देर है, ठीक है, इसमें भी दोनों में देर है, तो देर का एस यू है, देर का एस यू है, तो इसको भी आप कट कर दो, ठीक है। एस यू भी कट हो गया, और एन ए तो कोई कोड है ही नहीं लाइन में, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। कैसे, टी आई तो हमने निकाल लिया था, एक कोड बचा, ये देखो ये बचा, तो ये आपका क्या बचा एफ एस बचा, तो ये दोनों मिक्स हो के कोड बना देगा आपकी इसका पार्टी ट्रेस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बोला कि कोई आदमी किसी डिस्टेंस को किसी स्पीड पर कवर कर रहा है, ठीक है, अगर उसने अपनी स्पीड 30% इंक्रीज कर ली, तो वो क्या करता है कि 15 मिनट पहले लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो जो मतलब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था उससे क्या हुआ 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि टाइम बताना है कि डिस्टेंस कवर करना है किसके द्वारा, ओरिजिनल स्पीड के द्वारा कितना टाइम लेता था। देखो तो 30% को देखो, तो 30% का फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो 3/10 बनेगा, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होता है हमेशा ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। जब ये ओरिजिनल में हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या बनेगा, न्यू स्पीड बनेगा, तो इसका मतलब 10+3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, न्यू स्पीड 13 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो कुछ डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आप क्या करें, ओरिजिनल स्पीड आपने 10 मान ली, ओरिजिनल स्पीड आपने कितनी मानी 10 मान ली, तो पहले वो जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे वो 10 की स्पीड से कर रहे थे, ठीक है। माइन और अब जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो 30% एक्स्ट्रा कर लिया, मतलब 3+ कर दो, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस जो दे रखा है इन्होंने 15 मिनट का दे रखा है, 15 मिनट, इसको घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो, तो यहाँ से घंटे आवर बन जाएंगे, तो ये आपका 1, ये आपका 4, 1/4, 1/4 घंटे में का टाइम इन्होंने क्या किया डिफरेंस किया। अब देखो तो डिफरेंट मतलब अभी इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम 130 आएगा, तो 13d-10d, 13d-10d कितना होगा 3d हो गया, इजिकल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 12d इजिकल टू 130, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो 130 बटे कितनी आएगी 12 आएगी, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 130 बटे 12, तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, जो कि मतलब ये वाली चीज हमने निकाल ली है, तो डी कितना है 113, 130 बटे 12, और टाइम आपको 10, स्पीड आपको 10 दे रखी है, तो 0 से 0 कट कर दो, तो 13/12 कितना होगा, तो आप देखोगे 1 से 1/12, तो 1 घंटा तो ये कंप्लीट ले चुका, तो 1 घंटा तो कंप्लीट ले कर चुका, और इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप देखो 1 घंटा तो कंप्लीट ले चुका, अब मिनट देखते, तो मिनट निकालने के लिए जो आपके पास ये लास्ट वाला बचा है फ्रैक्शन, उसको क्या करो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा 5 0 5, तो 1 घंटा 05 मिनट आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1/7 ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15 कम है उसके आधे से, ठीक है। मान लो कोई 2 डिजिट नंबर हमने एक्स वाई मान लिया, तो आपको क्या निकालना है सम ऑफ डिजिट, जो भी आपको नंबर ये डिजिट निकाली है उसका सम निकालना है कि x+y कितना होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बोला कि इसका 7/7, इसका 7, ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 कम है, 15 कम है किस में, हाफ ऑफ दिस नंबर, तो एक्स वाई का आधा, ठीक है, इसमें कितना कम है 15 कम है, ठीक है, तो ये चीज आपको बोली गई है, ठीक है। तो
पहले तो वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, तो कैसे निकालेंगे कि आप देखोगे कि एक्स वाई बटे 7 माइनस एक्स वाई बटे 2 इज इक्वल टू -15। तो इसका एलसीएम सोल्व करोगे तो नीचे 14 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आप 7 में से 2 गए -5, क्योंकि 7 पीछे आएगा 2 आगे आएगा, तो -5 एक्स वाई -15। माइनस से माइनस कट कर दो, 5 से आपका 15 गया 3 पर, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 4i और वाई की वैल्यू कितनी आई 2i, तो सम कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, और तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बोला कि 1 जनवरी 2017 को थर्सडे था, ठीक है, और 31 मार्च को क्या होगा उसी साल। ओके, अब देखो जनवरी में कितने टोटल दिन होते हैं 31 होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं 28 होते हैं, और मार्च में कितने होते हैं 31 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन क्या निकाले, 1 जनवरी चली गई, तो 1 जनवरी चली गई तो इसका मतलब 30 दिन बचे यहाँ। ठीक है, तो इसके एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए, 2 दिन इसके हो गए। ठीक, इसके एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 भी 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचे उसको हम एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं, तो ये आपका जीरो। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो टोटल टोटल दिन कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, ओके, तो बोला कि थर्सडे में 5 को ऐड कर दो, तो जो भी दिन आपका आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट या आपका सेकेंड आएगा, यहाँ पर थर्ड ही आपका, फोर्थ ही आपका, फिफ्थ। ठीक है, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आता है, फिर आपका सैटरडे आता है, फिर आपका संडे आता है, ठीक है, फिर आपका क्या आता है मंडे आता है, फिर आपका ट्यूसडे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे आपका क्या हो गया मंगलवार, आपका क्या हो गया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये आप करोगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स लगाते हैं, तो बी ओ यहाँ पर है नहीं, तो डिवाइड, पहले डिवाइड का काम होगा, तो डिवाइड जितने भी सोल्व कर लो, तो 14 से 56 चला गया तो 4 पर चला गया, ठीक है, 3 से 6 गया तो 2 चला गया। ओके, तो डिवाइड हो गया कंप्लीट, अब मल्टीप्लाई करो, तो मतलब इस सभी की वैल्यू कितनी आई 4 के बराबर आई, इस सभी की वैल्यू कितनी आई 2 के बराबर आई, तो ये आपके पावर 2 की पावर 2 है तो 4 आ गए, तो 4 गुना 4 आपका 16 हो जाएगा, -12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो आप प्लस एडिशन करो तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 में से आप 24 माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 2, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो क्या है, ऑड वन आउट निकालना है, मतलब जो एक दूसरे के साथ पेयर नहीं हो रहे वो निकालना है, तो इसमें आप देखोगे कि पहले डिफरेंसेस चेक करते हैं, तो आप पहले वाले में डिफरेंस चेक करोगे तो 12 आएगा, ठीक है, सेकंड वाले में ऑप्शन में चेक करोगे तो डिफरेंस कितना है 1, अगले में कितना डिफरेंस आएगा 7, 17 का डिफरेंस है, और अगले में 7 का डिफरेंस है। तो अगर आप ये देखो कि मतलब ये नंबर क्या है एक दूसरे से, यानी डिवाइड नहीं हो रहे, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, कैसे कि जैसे कि 11/12 हो गया, 25/42 हो गया, या फिर आप 17/24 देखोगे तो ये सिंपल फॉर्म में है, लेकिन 22/34 क्या है एक सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इस तरह से एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा वो किस हिसाब से दे रखा है कि जो फर्स्ट वाला है ना, तो 22, 22 का डबल कर दो 44, और इन्होंने 44 में क्या किया है 10 माइनस किया है,
आपका कितना आया 34 आया। ओके सेम सेकंड ऑप्शन में क्या किया, 11, 11 को डबल किया 22, 22 में 10 माइनस किया कितना आया 12 आया। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड नंबर इस तरह से इन्होंने बनाया है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो 17 गुना 2 34 होता है, 34 में 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो सेम पैटर्न से ये लॉजिक लग गया। ठीक है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखोगे क्या कि 25 गुना 2 50 होता है, 50 में 10 माइनस करोगे तो 40 आना था, लेकिन उन्होंने क्या दिया 42 दिया, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया अलग हो गया। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ऑल कैमल्स आर डंकीज, तो सभी कैमल क्या है, डंकी है। ये कैमल मान लिया और ये डंकी मान लिया। ठीक है, सम कैट्स आर कैमल, तो कुछ कैट्स क्या है, कैमल है, ये आपका कैट्स हो गई। और ऑल डॉल्फिन आर कैट्स, तो कैट्स में क्या आ जाएगा, सभी डॉल्फिन आ जाएगी, डॉल्फिन। ठीक है, अब देखो बोला कि क्या सभी डॉल्फिन डंकी है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आ नहीं रही, तो बोला कि सम डॉल्फिन आर डंकी, तो अगर आ ही नहीं रही तो सम का कोई मतलब ही नहीं, सम डंकीज आर कैट, तो हाँ ये क्या है, ये तो आपकी डंकी की लाइन है और ये आपकी कैट की लाइन है। ठीक है, क्योंकि अगर कैमल कुछ कैट हो सकती है तो इसका मतलब डंकी भी क्या हो सकती है, कुछ कैट हो सकती है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑल कैट आर डंकी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आंसर जाएगा वो आपका थर्ड कंक्लूजन होगा राइट। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक आदमी 20 दिन में काम करता है। ठीक है, एक आदमी 20 दिन में काम करता है, एक औरत कितने दिन में करती है, 23 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लो, तो इतना यूनिट काम करते हैं तो 60, तो एक आदमी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक दिन की कार्य क्षमता 3। ठीक है, और एक औरत की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक आदमी की 3 है, अब पूछा है कि कितने दिन में तो आदमी और 3 औरत मिलके काम कंप्लीट कर लेगी, तो एक आदमी की 3 है तो 2 आदमी कितनी हो जाएगी, 6 राइट। तो 2 आदमी मिलके 6 दिन में, मतलब एक दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है, सेम काम 3 औरत मिलके, अगर एक औरत की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है तो 3 औरत की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तब बोला कि ये दोनों मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इन दोनों का प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। तो बोला कि अगर ये सभी 12 एक दिन में 12 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला कि वाई की वैल्यू निकालो, क्या हो गया, तो कुछ नहीं, वाई 0.17 भी इधर ले लेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट और 0.17, तो नीचे का पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ऊपर वाले पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या, नीचे वाले नीचे को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, और 17 छिक्के कितना होता है, 102 होता है, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 6 गुना 10 60 आपका राइट आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हाइट का अकॉर्डिंग, कि बोला कि h जो है ना छोटा है ओनली e से, e से क्या है, h ओनली e से छोटा है, तो e बड़ा हो गया h राइट। अब बोला कि f जो है वो बड़ा नहीं है जितना कि p है, तो
एफ इतना बड़ा नहीं है जितना कि पी है, ठीक है, ओके। पी इज शॉर्टर देन जी, पी जो है वो जी से छोटा है, तो जी से छोटा कौन है, पी, ठीक है। तो एफ की प्लेस रहेगी, तो एफ की प्लेस कहाँ रखेंगे, या तो आप बीच में रख सकते हो, ठीक है, ओके, यहाँ तो यहाँ पर रख सकते हो। अगर यहाँ नहीं रखना तो फिर क्या रखोगे, सबसे नीचे रखोगे, ओके, एफ, ओके। तो आप इस लाइन पर दोबारा गौर करो कि ई एच जो है ना वो केवल ई से छोटा है, तो ई सबसे बड़ा होगा इसमें, फिर एच आएगा, ठीक। सिर्फ एच, इस एच, अगर हम ये सीरीज बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एच जो है वो पी से भी छोटा होगा, एच जो है वो जी से भी छोटा होगा, लेकिन इसे बोला केवल ई से छोटा है, ठीक। इसलिए ई को फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे, सेकंड प्लेस पर एच पर रखेंगे। अब बोला कि एफ उतना बड़ा नहीं है जितना कि पी है, ओके, पी छोटा है जी से, तो जी को हम थर्ड प्लेस पर रख देंगे और पी को फोर्थ प्लेस पर रख देंगे, और एफ उतना बड़ा नहीं जितना कि पी है, तो इसका मतलब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इससे छोटा हो, तो ये आपकी क्या बनेगी, अरेंजमेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पूछा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा क्या हो गया, एफ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला कि डिफरेंस बताना मोड और मीन का, ठीक है। तो आप देखो मीन और मोड कैसे निकालते हैं, चलो मैं आपको मीडियन भी बता देता हूँ, ठीक है, इसके साथ साथ मीन भी बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में, मीडियन भी बता देता हूँ और मोड भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अब इस लाइन को क्या हो, सीरीज वाइज देखो, तो सबसे छोटा क्या 4 है, फिर सबसे छोटा 5 है, देखो 4 हो गया, 5 हो गया, और भी 5 है, एक और 5 है, ठीक है, एक और 5 लिख दो, नेक्स्ट 6 लिख दो, 6 आ गया, ओके, 6 और भी है, नहीं है, 7, 7 लिख दो, 7 और है, नहीं है, 8, 8 लिख दो, 8 और है, नहीं है, फिर 9 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर, फिर 12, 3 बार है, तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12, 12 और 12, ठीक है। तो मेन कैसे आएगा, इन सभी का प्लस कर दो, डिवाइड बाय जितने भी क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे, ठीक, सॉरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, तो इन सभी का एडिशन देखोगे आप, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27 और 8 35, 35 और 9 आपका कितना हो जाएगा 34, 34 सॉरी 35 और 9 44, 44 और 36 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का ऐड कितना हो गया 80 हो गया, और टोटल क्वांटिटी आप चेक करोगे तो ये कितनी है 10 है, तो मेन जो आया वो मेरे पास कितना आया 8, ओके। अब मीडियन देखो, मीडियन मीडियन क्या होता है कि इस सीरीज में जो भी बीच में होगा ना वो मीडियन होगा, अगर 10 है तो बीच की ये होंगी, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक क्या होगी, मीडियन होगी, तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 15/2 कितनी हो जाएगी, 7/7 आपकी मीडियन हो जाएगी। अब बोला कि मोड, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ ना इस सीरीज में, सबसे ज्यादा बार, तो 5 सिर्फ 2 बार है, और 12 कितनी बार, 3, तो 12 क्या हो गया आपका इस सीरीज का मोड हो गया, ठीक है। तो क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन बताना, तो मीन का कितना 8, मोड का कितना है 12, ठीक है, तो 12 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बोला कि यहाँ पे 6 आदमियों को बैठाया गया कि जो है ए बी सी डी ई एफ, बोला कि सेम ऑर्डर में नहीं बैठे, तो कैसे हैं ये, इन्होंने इन्होंने दे रखा है कि डी जो है वो बी ए और ई से बड़ा है, डी क्या है ए या फिर ई से क्या है बड़ा है, ठीक है। एफ जो है वो किससे बड़ा है, बी एंड सी से बड़ा, एफ जो है वो किससे बड़ा है, बी एंड सी से बड़ा है, ठीक है। अब बोला कि ई जो है वो एफ से बड़ा है, ई जो है वो एफ से बड़ा है, ठीक है।
ए भी क्या है, एफ से बड़ा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कितना बड़ा, तो इसको ये रख देते हैं ठीक। और इन सबसे बड़ा कौन है, डी है। पूछा कि इनमें से सबसे छोटा आदमी कौन है, इनमें से सबसे छोटा आदमी कौन है, तो आप बी सी को आंसर दे सकते हो, बी या फिर सी में से एक छोटा है ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन उठाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।